नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड लीगल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को रिलीज से पहले ही काफी विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे और इसी वजह से इस फिल्म को कई राज्यों में बैन भी कर दिया गया। हालांकि फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस के दौरान सेंसर बोर्ड द्वारा इस फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत करने और चार अदर मॉडिफिकेशंस के बाद इस फिल्म के 25 जनवरी को रिलीज होने की संभावनाएं हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सेंसर बोर्ड द्वारा इस प्रकार के निर्देश किसी फिल्म को लेकर दिए गए हैं या फिर कोई फिल्म इस प्रकार की कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है। इससे पहले भी कई फिल्में जैसे उड़ता पंजाब, NH-10, ओ माई गॉड, बादशाह जैसी फिल्में इसी प्रकार की कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है, जिसमें से कई फिल्मों को इसका फायदा मिला तो कई फिल्मों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सेंसेशनल इशू की, यानी कि किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने के दौरान सेंसर बोर्ड द्वारा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर सेंसर बोर्ड किसी फिल्म में बदलाव कर सकता है या सीन्स को कट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं। भारत में रिलीज होने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री आदि को रिव्यू करने और उन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए सेंसर बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के प्रोविजंस के अंतर्गत गवर्न होता है। किसी फिल्म को रिव्यू करने और उसे सर्टिफिकेट देने के लिए सेंसर बोर्ड में तीन पैनल बनाए गए। पहला एग्जामिनिंग कमेटी, दूसरा रिवाइजिंग कमेटी, तीसरा FCAT यानी फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। एग्जामिनिंग कमेटी में कुल 5 मेंबर होते हैं और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन इसका पार्ट नहीं होते। यदि कोई फिल्म सेंसर बोर्ड की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है और इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो उसे एग्जामिनिंग कमेटी द्वारा ही सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दूसरा रिवाइजिंग कमेटी, यदि एग्जामिनिंग कमेटी को ऐसा लगता है कि फिल्म में कोई बदलाव की आवश्यकता है या फिर कोई सीन को कट करने की आवश्यकता है तो उस सिचुएशन में एग्जामिनिंग कमेटी द्वारा फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन रिवाइजिंग कमेटी के पार्ट होते हैं और रिवाइजिंग कमेटी द्वारा नेसेसरी चेंजेस करने के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति रिवाइजिंग कमेटी के डिसीजन से नाखुश है तो वो उसकी अपील FCAT में कर सकता है। FCAT यानी फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस और सीनियर इंडस्ट्री मेंबर्स इसका पार्ट होते हैं। यदि कोई व्यक्ति FCAT के डिसीजन से भी नाखुश है तो वो उस डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकता है। आमतौर पर एक फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने के लिए भारत में सिनेमेटोग्राफी रूल्स के रूल 41 के अनुसार 68 डेज का टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर सेंसर बोर्ड किसी फिल्म में बदलाव करने या सीन्स को कट करने के निर्देश दे सकता है। यदि फिल्म सर्टिफिकेशन के दौरान सेंसर बोर्ड को लगता है कि कोई फिल्म भारत की सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, रिलेशन विद अदर स्टेट्स, पब्लिक ओपिनियन या डिसेंसी के खिलाफ है तो उस सिचुएशन में वो उस फिल्म में बदलाव करने के निर्देश दे सकता है। हालांकि इन टर्म्स की डेफिनेशन सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस में डिफाइंड नहीं है और इस वजह से कई बार सेंसर बोर्ड के डिसीजन आर्बिट्ररी यानी मनमाने होने के आरोप लगते हैं और ये कंट्रोवर्सी का शिकार भी होते हैं। फिल्म उड़ता पंजाब को सर्टिफिकेट देने के दौरान सेंसर बोर्ड द्वारा इसमें 89 कट्स किए गए और इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया। इस पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई, तब हाई कोर्ट द्वारा फिल्म को एक कट के साथ और ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने का आदेश दिया। अब हम बात करेंगे उन चार प्रकार के सर्टिफिकेट्स की जो कि फिल्म सर्टिफिकेशन के दौरान सेंसर बोर्ड द्वारा एक फिल्म को दिए जाते हैं। पहला यू यानी यूनिवर्सल, दूसरा UA यानी यूनिवर्सल विथ अडल्ट गाइडेंस, तीसरा A यानी अडल्ट सर्टिफिकेट और चौथा है S यानी स्पेशल सर्टिफिकेट फॉर फार्मर्स, डॉक्टर्स एसेट्रा। तो ये थे फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़े कुछ प्रावधान जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।